नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के लिए अनुसंधान योग्यता का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सेमिनार, कार्यशाला, वार्तालाप, संगोष्ठी, सम्मेलन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं यहाँ पर ये सब कुछ करवा दूँगा, बस आप वीडियो देखिए, साथ साथ लिखते रहिए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़ी हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी, आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। आज ये टॉपिक सारे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसे हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हम थोड़ी सी डिफरेंस इसमें देख लें कि ये क्या है, तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं, पर इसको आज मैं आपको आसान भाषा में करवाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक छात्र या विद्वान रास्ते से सीखना चाहता है। सीखने का अलग तरीका दृश्य, श्रवण और व्यवहारिक रूप से है। विद्वान या छात्र को कुछ ज्ञान, नवीन विचार और अनुभव प्राप्त करने के लिए मूल तरीकों का अनुसरण करना है। देख फ्रेंड्स, जो प्रत्येक छात्र विद्वान है वो रास्ता, यानि कि वे रास्ता से सीखना चाहता है, यानि कि जो वो सीखना चाहता है वो किसी रास्ते से सीखना चाहता है। रास्ता कौन सा आता है वो, जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वीडियो से सीखते हैं, कुछ ऑडियो से सुनकर सीखते हैं, कुछ व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। हम अपने ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में फ्रेंड्स, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल से ही सीखते हैं, तो हम दैनिक चर्चा में व्यवहारिक रूप से जो हम किसी से मिलते हैं तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो भी उससे कुछ सीखते हैं, कुछ ही सुन रहे हैं तभी उससे सीख रहे हैं। तो यानी कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। सीखने का तरीका अलग अलग होता है, पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो विद्वान है या जो छात्र हैं उनको जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ नवीन नए नए जो विचार हैं या अनुभव प्राप्त करने का ये मूल तरीका है। यानी कि अगर किसी छात्र को या विद्वान को कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ अनुभव प्राप्त करना है, तो वो इन सब से सीखता है। तो ये जानते हैं क्या है, क्या ये। देखिए, संगोष्ठी या सेमिनार जिसे कहते हैं इंग्लिश में भी सेमिनार, नेक्स्ट सम्मेलन जिसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, संगोष्ठी मतलब है सिंपोजियम। देखिए फ्रेंड्स, संगोष्ठी सेमिनार को भी संगोष्ठी कहते हैं, सिंपोजियम को भी संगोष्ठी कहते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कार्यशाला जिसे वर्कशॉप कहते हैं। नेक्स्ट है बोलचाल या वार्तालाप जैसे कोलिकियम, और गोलमेज चर्चा जैसे राउंड टेबल डिस्कशन। एक एक करके डिस्कशन करते हैं इनकी, जानते हैं कि है क्या। दिखने में सभी एक जैसे, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो पहले बात करेंगे संगोष्ठी या सेमिनार की। देखिए, एक संगोष्ठी अकादमिक प्रशिक्षण के रूप में या तो विश्वविद्यालय में या एक व्यवसायिक या पेशेवर संगठन द्वारा की पेशकश है। लोकतांत्रिक समाज में संगोष्ठियों को शोध को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय स्थान मिलता है। अब देखिए फ्रेंड, जो सेमिनार है, जो संगोष्ठी है, वो है क्या। ये किसी विश्वविद्यालय में या व्यवसायिक या पेशेवर जो संगठन है, ठीक है, वो पेश करता रहता है। कब करता है वो, सालाना, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, हर साल या हफ्ते बाद, ये सेमिनार होते रहते हैं। सेमिनार में होता क्या है, संगोष्ठी में होता क्या है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जब एक कोई एक्सपर्ट यहाँ पे कुछ समझा रहा है तो बच्चों को
या किसी, जैसे देखिए यहाँ पे सेमिनार लगा हुआ है किसी चीज़ में, अगर यूनिवर्सिटी में सेमिनार लगा हुआ है तो वहाँ पे एक सेमिनार में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर चीज़ें समझाई जाती हैं, वो समझाने का तरीका जो होता है वो कैसा होता है, वो या तो आपको प्रोजेक्टर के ऊपर वीडियो चला के दिखा देंगे, PPTs बना के दिखा देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देंगे, ठीक है। यानी कि सेमिनार में होता क्या है कि एक टॉपिक के ऊपर वो चर्चा की जाती है, उसको अच्छे से समझाया जाता है जिसे बाकी लोग सुनते हैं, और एक्सपर्ट उसे समझाता है। वो वीडियो की हेल्प ले सकता है, प्रोजेक्टर की हेल्प ले सकता है, PPT से वो समझा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है सेमिनार में, सेमिनार का मतलब रहता है कि कुछ ना कुछ सिखाते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो विश्वविद्यालय में या कोई संगठन ये से सिखाते रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेमिनार के प्रकार कौन से हैं। देखिए पहला है मिनी सेमिनार, जैसे जो होता है क्लासरूम स्तर पर, यानी कि जो मिनी सेमिनार जो छोटा सेमिनार है वो क्लासरूम स्तर पर होगा। अगर हमें क्लासरूम स्तर पर कोई चीज़ समझानी है तो वो मिनी सेमिनार होगा। मुख्य संगोष्ठी या मुख्य सेमिनार कौन सा है, विभाग या संस्था। जब मेन सेमिनार, जब हमें किसी संस्था को या किसी यूनिवर्सिटी को, किसी विभाग को, डिपार्टमेंट को समझाना है तो हमें मेन सेमिनार या मुख्य सेमिनार लगाना होता है, ठीक है। एक क्लास को समझाएंगे तो मिनी सेमिनार, विभाग को समझाएंगे तो मुख्य संगोष्ठी या सेमिनार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संगोष्ठी या राष्ट्रीय सेमिनार, विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ पे राष्ट्रीय संगोष्ठी या राष्ट्रीय सेमिनार लगाया जाता है। इनकी देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जब सेमिनार लगाया जाता है तो वो राष्ट्रीय सेमिनार या राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, विदेशी या घरेलू विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार क्या है कि जब विदेशी, जब यानी कि बाहर की यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे सेमिनार होता है। तो मिनी सेमिनार कहाँ होगा, क्लासरूम स्तर पर, और मुख्य संगोष्ठी सेमिनार कहाँ होगा, विभाग या संस्था स्तर पर। राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी विदेशी विश्वविद्यालयों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सेमिनार। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संगोष्ठी की विशेषताएं हैं, ठीक है। इनमें से सेमिनार या संगोष्ठी की विशेषताएं बतानी क्या है, ये दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। देखिए यह शैक्षणिक निर्देश का एक रूप है, इसमें प्रश्न, चर्चा और बहस शामिल है, इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह, इसमें कुशल व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक है। अब देखिए इसमें से इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 B और C, ऑप्शन नंबर 2 B और D, ऑप्शन नंबर 3 B, C और D, ऑप्शन नंबर 4 A, B और D, ठीक है। चार में से बताना है कि कौन सी इसकी विशेषता है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनकी A, B और D, सी इसमें नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। अब देखिए अब सम्मेलन है, सम्मेलन में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा विषय या एक से ज़्यादा टॉपिक जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, चर्चा किए जाते हैं। एक सम्मेलन अपने स्वयं के और दूसरे एक दूसरे के काम के बारे में सम्मेलन या चर्चा करने के लिए सहयोगियों का एक समूह है। यानी कि सम्मेलन कब होता है कि जब सहयोगियों का समूह, यानी कि अगर कहीं पे कोई काम कर रहे हैं साथ में, काम कोलीग्स काम कर रहे हैं, सहयोगी हैं, तो वे एक सम्मेलन करते हैं, तो वहाँ पे अपने काम के और दूसरे के काम की चर्चा की जाती है, ठीक है। सम्मेलन में होता क्या है कि एक से ज़्यादा विषयों के बारे में चर्चा की जाती है कॉन्फ्रेंस में। अब आप देखिए कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे एक दूसरे काम की या एक अपने काम की एक दूसरे काम की चर्चा की जाती है, तो होती है कॉन्फ्रेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक जो है वो चर्चा किए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एक से ज़्यादा टॉपिक किसमें चर्चा किए जाते हैं, तो सम्मेलन में। अनुसंधान के लिए विद्वानों के सम्मेलन कभी कभी या वार्षिक रूप से उन विश्वविद्यालयों या आयोजित किए जाते हैं जिनके पास नियुक्त पेपर समीक्षकों का एक समूह होता है जो सबमिशन की समीक्षा करते हैं और सबसे उपयुक्त मूल सर्विस आदि का चयन करते हैं। अब देखिए क्या है कि जो सम्मेलन है वो वार्षिक स्तर पर भी होता है, वो छमाही स्तर पर भी होता है, मंथली स्तर पर भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो सम्मेलन होता है
तो ये करते रहते, जो सम्मेलन है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो हमेशा करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि रिव्यू करना होता है सालाना, तो वार्षिक रूप से कॉन्फ्रेंस होगा कि 1 साल में क्या क्या किया है, 6 महीने में क्या किया है, एक एक महीने में क्या किया है, तो ये होता रहता है। इसमें क्या है कि एक्सपर्ट्स की टीम होती है। सम्मेलन में सबसे बड़ी बात देखिए कि दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाती है। दूसरी बात, इसमें एक्सपर्ट की जो टीम है, जो विद्वानों की टीम है, वो विद्वान में ज़्यादा शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें विद्वान भी या एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, ज़्यादा होंगे, और इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अब सम्मेलन के प्रकार देखिए, पहली बात है कि क्षेत्रीय सम्मेलन। अब क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर क्षेत्रीय सम्मेलन करवाया जाता है। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे कई देशों के प्रधानमंत्री, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ पे सम्मेलन के लिए, तो वो क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। नेक्स्ट है संगोष्ठी। देखिए फ्रेंड्स, संगोष्ठी मैंने सिंपोजियम, ऊपर सेमिनार में भी संगोष्ठी है, यहाँ पे भी संगोष्ठी है, तो सिंपोजियम का मीनिंग होता है वैसे संगोष्ठी। संगोष्ठी एक बौद्धिक मनोरंजन है जो दर्शकों को सूचित निर्णय नीतियों, मूल्य निर्णय या समझ के साथ सूचित करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है। अब देखिए क्या है, ये बौद्धिक मनोरंजन है। देखिए सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बताता क्या है। जो कॉन्फ्रेंस था उसमें हम सिर्फ जो कॉन्फ्रेंस था उसमें हम एक से ज़्यादा विषय चर्चा कर सकते थे। अब संगोष्ठी या सिंपोजियम में क्या है, इसमें सिर्फ हम एक ही विषय पर चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा विषय, संगोष्ठी या सिंपोजियम में एक एक ही विषय। कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम होती है, तो संगोष्ठी में बहुत कम एक्सपर्ट की टीम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बौद्धिक मनोरंजन है। इसमें क्या है कि निर्णय नीतियाँ वगैरह उसके ऊपर, एक ही विषय के ऊपर जो है इसमें डिस्कस किया जाता है। संगोष्ठी की मुख्य विशेषता क्या है कि एक ही विषय या विषय और विशेषज्ञ द्वारा एक ही दिन में दिए गए सभी व्याख्यान शामिल हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो एक विषय डिस्कस किया जाता है, जो चर्चा की जाती है जिस विषय के ऊपर, उसमें जो विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट है, वो एक ही दिन में उस विषय के ऊपर सारी चर्चा जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस में काफ़ी दिन चलता है वे काम, और सिंपोजियम में थोड़ा सा चलता है। सिंपल सी बात कह सकते हो आप कि कॉन्फ्रेंस का छोटा लेवल जो है वो संगोष्ठी या सिंपोजियम है। ठीक है, संगोष्ठी में एक विषय और जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो टीम है वो, उसकी संख्या भी कम रहती है एक्सपर्ट की, और एक ही दिन में काम निपट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संगोष्ठी में या सिंपोजियम में होता है। नेक्स्ट है कार्यशाला। देखिए कार्यशाला सबसे पहले है क्या, वर्कशॉप, जहाँ पे आप हाथ से काम करते हैं या यहाँ पे आप खुद से काम करते हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि प्रैक्टिकल लेवल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि वर्कशॉप, गाड़ियों की वर्कशॉप है जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत होती है, वहाँ पे मैकेनिक लगे होते हैं ना हाथ से काम करने, तो वहाँ पे थ्योरी पार्ट तो होता ही नहीं है, वहाँ पे काम करना पड़ता है, वो थी वर्कशॉप। एक्टिंग की वर्कशॉप, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, वहाँ पे एक्टिंग की वर्कशॉप लगाई जाती है। वहाँ वर्कशॉप में क्या करवाया जाता है, वहाँ पे आपको खुद से काम करना पड़ता है। जो आप एक्टर बनने जा रहे हैं उनको वहाँ पे खुद से एक्टिंग सिखाई जाती है कि वो करके देखें। ठीक है, विश्वविद्यालय में संगोष्ठी और सम्मेलन शोधों के सैद्धांतिक आयाम प्रदान करते हैं, लेकिन कार्यशाला प्रयोग कार्यक्रम को परिभाषित करने से संबंधित अनुसंधानों में कौशल विकसित करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। देखिए क्या है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें जो संगोष्ठी है, यानी कि उसमें जो सेमिनार है, उसमें जो कॉन्फ्रेंस है, ये क्या है कि ये सिद्धांत शोध के जो सैद्धांतिक आयाम प्रदान करती है। ठीक है, किन सिद्धांतों पर जो शोध है तो ये उसके बारे में बताती है। लेकिन कार्यशाला में क्या है, इसे परिभाषित करना। देखिए इसमें पहले, इसमें लाइन का मतलब क्या है कि सेमिनार और सम्मेलन में, कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आपको थ्योरी पार्ट करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिर्फ समझाया जाता है, पर कार्यशाला में आपको प्रैक्टिकल लेवल करके देखना पड़ता है। यानी कि अगर हम सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें थ्योरी पार्ट समझाया जाता है, कार्यशाला में वर्कशॉप में हमें काम खुद से करके देखना पड़ता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। किसने ये देख लिया कि हाँ गाड़ी ऐसे ठीक की जाती है, पढ़ लिया, पर वर्कशॉप में जाके खुद उसको गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी तभी उसको आएगा।
व्याख्यान और प्रदर्शन प्रक्रिया द्वारा वास्तविक अवधारणा तकनीक का अभ्यास करने वाली कार्यशाला में वर्कशॉप का शब्द का प्रयोग ज्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। यह बहुत उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान विद्वान है। देखिए, कार्यशाला का उपयोग सबसे पहले ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है? इंजीनियरिंग में। आपको मैंने पहले बताया कि जैसे इंजीनियरिंग है, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ जैसे वहाँ पे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, ये मशीन कैसे बनी है, इसे कैसे बनाना है ना। तो वो तो हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब मशीन बनाने की या ठीक करने की बारी आती है तो वो हम किस में सीखते हैं? वो हम सीखते हैं कार्यशाला में। तो कार्यशाला शब्द का प्रयोग कहाँ पे ज़्यादातर उपयोग होता है? ये होता है इंजीनियरिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, बस कार्यशाला वर्कशॉप का यही मतलब है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल लेवल करते हो। नेक्स्ट है बोलचाल या वार्तालाप, जिसे कॉलिकियम कहते हैं इंग्लिश में, कॉलिकियम। शैक्षणिक क्षेत्र में बोलचाल में विद्वानों द्वारा मार्गदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक एकल व्याख्यान और उनके शोध कार्य के बारे में कुछ सहपाठियों और दर्शकों द्वारा प्रस्तुत कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि वार्तालाप, इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशन सेक्टर है, जो शैक्षणिक क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि जो कॉलिकियम क्यों किया जाता है, इसमें क्या होता है कि वार्तालाप की जाती है। क्यों की जाती है? देखिए, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे कि किसी ने रिसर्च की है, अब उसने जो रिसर्च कर चुका है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या कैसे कैसे उसने रिसर्च की है, तो वो इसके बारे में बाकी स्टूडेंट को बताएगा। ठीक है, यानी कि जिसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है तो वो अपनी रिसर्च के बारे में बाकियों को बताएगा, तो सभी उसको ध्यान से सुनते हैं। तो उनके मन में अगर कोई प्रश्न होता है तो वो उससे प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है वार्तालाप, यानी कि जिसमें एक्सपर्ट बाकियों को समझाता है तो उनके प्रश्नों का उत्तर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राउंड टेबल चर्चा। देखिए, गोल मेज अकादमिक चर्चा का एक रूप है। प्रतिभागियों को चर्चा और बहस करने के लिए एक विशिष्ट विषय सहमत है, कोई चारिक झंडा नहीं है। देखिए, राउंड टेबल चर्चा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे आप, वहाँ पे राउंड टेबल चर्चा देखोगे। और राउंड टेबल का मतलब गोल टेबल नहीं है, गोल टेबल लगाया तो बैठ गया, ऐसा नहीं है। राउंड टेबल का मतलब है किसी को ज़्यादा नॉलेज, कम नॉलेज, ठीक है, कुछ भी है, यहाँ पे कुछ छोटा बड़ा नहीं है। सभी वहाँ पे बैठकर चर्चा करते हैं, इसके लिए एक विषय का चयन किया जाता है, उसके लिए कोई औपचारिक एजेंडा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद भारत।